पशुपालन विभाग के द्वारा बुल मदर फार्म की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य नस्ल सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु उच्च अनुवांशिकता की मादाओं को संधारित करते हुए उच्च अनुवांशिकता के पेडिग्रीड सांड तैयार करना है। उक्त प्रक्षेत्र वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ के द्वारा NPCBB योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के आधिपत्य में सौंपा गया। वर्तमान में प्रक्षेत्र पर देसी नस्लों में गिर, साहिवाल, मालवी एवं संकर नस्लों के सांड उत्पादित किए जा रहे हैं। इनमें से जो सांड MSP के अनुरूप होते हैं, उन्हें हिमकृत वीर उत्पादन हेतु केंद्रीय वीर संस्थान भोपाल को हस्तांतरित किया जाता है। प्रक्षेत्र पर राष्ट्रीय गौ भैंस वंशीय पशु प्रजनन परियोजना NPCBB तथा नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग NPBB योजना के तहत मुर्रा, जाफराबादी एवं भदावरी तथा गायों के साहिवाल, हरियाणा, थारपारकर, गिर, मालवी इत्यादि नस्लों के सांडों का संगोपन करने के पश्चात प्रजनन योग्य सांडों को प्राकृतिक गर्भाधान हेतु प्रदाय किया जाता है। यह प्रक्षेत्र वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम को स्थानांतरित किया गया एवं उसके पश्चात इसका समग्र विकास किया गया, जिसमें डेयरी प्रक्षेत्र पर गौमूत्र और गोबर से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बायोगैस तथा वेस्ट वाटर के उपयोग हेतु पंप हाउस बनाया गया है। बायोगैस संयंत्र से बनने वाली बायोगैस का उपयोग खाना पकाने के साथ ही विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है। प्रक्षेत्र पर गौमूत्र एवं पशुओं और शेड आदि की साफ सफाई से पानी को टैंक में एकत्रित कर पंप के द्वारा उसे चारा उत्पादन वाले खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इससे चारा उत्पादन में किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के हरे चारे का उत्पादन हो रहा है। प्रक्षेत्र पर वर्षा जल के पूर्ण संरक्षण हेतु 5 तालाब निर्मित किए गए हैं। प्रक्षेत्र पर दाना बनाने के लिए ग्राइंडर मिक्सर तथा दाना चारा आदि को उचित अनुपात में मिक्स करके खिलाने हेतु TMR व्हीकल, ट्रैक्टर ट्रॉली एवं कृषि यंत्र आदि क्रय किए गए हैं। प्रक्षेत्र पर सूखा तथा हरा चारा संधारण हेतु भूसा गोदाम, दाना गोदाम और साइलो पिट आदि बनाए गए हैं। प्रक्षेत्र में पशुओं के प्रबंधन हेतु ऑटोमेटिक सेंसर वाले ब्रशेस एवं डेयरी फेंस लगाए गए हैं। साथ ही तापमान नियंत्रण हेतु इंसुलेशन शीट्स का उपयोग किया गया है। गाय का दूध बच्चों, बुजुर्गों तथा रोगियों के लिए चिकित्सकों के द्वारा अनुशंसित किया जाता है। इसका मूल कारण गाय के दूध में वसा की कम मात्रा तथा उसकी पाचकता अधिक होना है। इसलिए इस प्रक्षेत्र पर गायों के साफ व स्वच्छ दूध का उत्पादन लिए जाने के लिए मिल्किंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। मिल्किंग मशीन से दूध को बल्क मिल्क कूलर में ठंडा किया जाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यह था कि हमारे पास 76 एकड़ जमीन है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र भी पूरा सम्मिलित है और इस पहाड़ी क्षेत्र से वर्षा में बहुत पानी बह के आता है, तो
हमारे जो क्षेत्र पर ट्यूबवेल लगे थे, कुएं थे, उनका पानी सूख जाता था, तो वाटर रिचार्जिंग और वाटर कलेक्शन पे काम किया गया।